गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टूरिस्ट वीजा के बारे में, टूरिस्ट वीजा की क्या सक्सेस रेशियो चल रही है। अगर अपने पर्टिकुलर कनाडा की बात करें तो कनाडा की सक्सेस रेशियो आज के टाइम की एक ट्रेंड बना हुआ है। कनाडा मतलब कि आप दुबई का वीजा लगा लो, कनाडा का वीजा लगा लो, सेम जो वीजा सक्सेस रेशियो चल रही है। तो इसमें अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए। क्या हमारे पास में फंड्स मतलब 15 से 20 लाख फंड होने चाहिए? नहीं, आपके पास में ओनली 5 से 6 लाख का फंड शो करो। और इसके अलावा 3 ITR, कम से कम 3 ITR आप लगाओ। अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब सैलरी स्लिप कम से कम 6 मंथ की आप साथ में ऐड करो। अगर किसी का बिजनेस है तो बिजनेस डॉक्यूमेंट वगैरह सारे कंप्लीट करके वो साथ लगाओ। और एक और CA रिपोर्ट लगाना ना बोले, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है प्रॉपर्टी, फादर साहब के नाम पे है, मदर के नाम पे है, तो उनका एफिडेविट साथ में लगाओ, तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। और बाकी अगर आप किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत है तो आप न्यूपॉइंट कंसल्टेंसी की टीम से मिल सकते हो। न्यूपॉइंट कंसल्टेंसी आज आपके लिए एक ऑफर लेके आई है कि आप पूरे पैसे वीजा लगने के बाद देना चाहते हो तो भी हम कर रहे हैं। और अगर आप कहते हो कि मैं नहीं, हम ऑन रीच मतलब पहुंच के आप देना चाहते हैं तो भी आप न्यूपॉइंट कंसल्टेंसी की टीम से मिल सकते हो। न्यूपॉइंट कंसल्टेंसी ये ऑफर आपके लिए अभी लेकर आई है, चाहे आप कनाडा के लिए जा रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रहे हो, चाहे आप यूके के लिए जा रहे हो, चाहे न्यूजीलैंड जा रहे हो, तो आप न्यूपॉइंट कंसल्टेंसी की टीम से मिल सकते हो। बाकी आप यूट्यूब के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा ये पेज देख रहे हो तो इसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और आपको आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी न्यूज लेके यहाँ पे हम पहुंचेंगे। धन्यवाद।